नमः महाश्वाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह देवताओं के गुरु बृहस्पति वक्री होने वाले हैं, तो क्या प्रभाव वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 9 अक्टूबर 2024 की दिन में 12 बजे देव गुरु आपकी राशि यानी वृषभ राशि में ही वक्री हो जाएंगे और आने वाले 4 फरवरी 2025 तक ये वक्री अवस्था में वृषभ राशि में रहने वाले हैं। गुरु बृहस्पति की बदल रही चाल जहां कई राशि वाले जातकों के जीवन में सकारात्मकता देने वाली है, तो कहीं राशि वाले जातकों के जीवन में नेगेटिव प्रभाव भी देने वाली है। ये वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिवर्तन निर्मित कर सकते हैं, यही खास जानकारी हम वृषभ राशि वाले जातकों को देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के लिए लाभ भाव के स्वामी हैं और आपके आयु भाव के स्वामी माने जाते हैं, तो जब इनकी वक्री चाल यानी उल्टी चाल शुरू होगी तो क्या परिवर्तन आपको मिलेगा। जातकों, देवगुरु बृहस्पति के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए, देखिये देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना जाता है और एकमात्र देवगुरु ऐसे प्लैनेट माने जाते हैं जो कुंडली में केंद्र में जब विराजित होते हैं तो लाखों दोषों का समन करते हैं। गुरु को धन, शिक्षा, संतान, बड़े भाई, वैवाहिक जीवन और करियर का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर देवगुरु बृहस्पति का पूरा आधिपत्य होता है। देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली में बलवान होते हैं तो जातक को नाम, शोहरत, सफलता, धन, संतान और उत्तम वैवाहिक जीवन की प्राप्ति भी जरूर होती है। और कहीं अगर गुरु कुंडली में खराब हुए, खराब होने का मतलब यह है ये कुंडली में शनि राहु केतु के साथ अपना संबंध बनाए हुए हों या अपनी नीच राशि मकर में मौजूद हों, तो ये जीवन में काफी ज्यादा घातक बीमारियां देते हैं। जब ये कमजोर होते हैं, पथरी, पीलिया, लीवर डिजीज, कमर में दर्द, मोतियाबिंद की समस्या आंखों में होती है, विवाह में विलंब का सामना लगातार करना पड़ता है। अगर विवाह हो गया, महिला वर्ग को जीवन में वैवाहिक कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। तो वही हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में देवगुरु क्या बदलाव निर्मित करने वाले हैं और कहां पर आपको सावधान रहने की जरूरत रहेगी। वृषभ राशि वाले जातकों, जानकारी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहेगी और आपके लिए ही आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों, देवगुरु जो हैं वो आपके राशि के लाभेश बनते हैं, 11th हाउस के स्वामी हैं और आपके अष्टमेश माने जाते हैं, जो कि 9 अक्टूबर 2024 को आपकी राशि में ही मौजूद होने वाले हैं। इनके पास तीन दृष्टियां होती है, पांचवी दृष्टि आपके शिक्षा और संतान भाव पर डालने वाले हैं, सातवीं दृष्टि जो है वो आपकी राशि के वैवाहिक भाव पर डालने वाले हैं और नौवीं दृष्टि आपकी राशि से भाग्य भाव पर भी डाल रहे हैं। तो यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार का बदलाव इस समयावधि में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। सबसे पहले तो वृषभ राशि वाले जातक गुरु वक्री होंगे तो आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ने वाला है। देखिए, पिछले समय में अगर आप किसी भी जगह पर काम कर रहे हैं, अपना जो प्रभाव है उसको यदि आप दिखाने में नाकाम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो छवि है उसमें जो इफेक्ट है लोगों के ऊपर कम पड़ रहा है। इस समयावधि में गुरु वक्री होंगे तो आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपका
मानसिक दायरा है, मानसिक एकाग्रता है, उसमें वृद्धि होगी और जिसकी वजह से आपको जीवन में चारों ओर सफलता मिलने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम घर में वक्री होंगे, जो जातक एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए हैं। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को सफलता मिलने वाली है। अगर आप इस समयावधि में विदेशों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में भी सफलता और परिवर्तन का विशेष योग यहां पर आपको मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस यानी आपके लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं। इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में धन की वृद्धि भी आपके जीवन में करने जा रहे हैं। जो जातक पिछले समयावधि से आर्थिक मामलों में क्षमता के बावजूद भी धनार्जन कम कर पा रहे हैं, इस समयावधि में वक्री गुरु का प्रभाव सप्तम घर से संबंध बनाएगा। सप्तम घर दैनिक आय का होता है, तो जहां आपके जीवन में लाभ में वृद्धि होगी, वहीं दैनिक आय के साधन में वृद्धि होने वाली है। वृषभ राशि वाले जो व्यक्ति इस समयावधि में बैंक मैनेजर हैं, कानून, जज, वकालत, किसी सम्मानी पद पर मौजूद हैं, या किसी धार्मिक संस्थान से आपका जुड़ाव है, महंत हैं, मठाधीश हैं, पुजारी हैं, यहां पर देवगुरु आपके व्यक्तित्व को विशेष रूप से बढ़ाने में समर्थ रहने वाले हैं। और यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि रिश्तों के मामले में भी देवगुरु बृहस्पति जो हैं, वो आपको बदलाव देने के लिए समर्थ हैं। सातवीं दृष्टि जो है इनकी वैवाहिक भाव पर जा रही है, जहां प्रेम जीवन में आपको सकारात्मक बदलाव दे सकते हैं, वहीं जिन जातकों के जीवन में वैवाहिक जीवन में संतुष्टि की कमी और पार्टनर के साथ लगातार रिश्तों में मन मुटाव बना हुआ है, उन जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों में शुभता देवगुरु के प्रभाव से आपको मिलने वाला है। वक्री गुरु का प्रभाव जो है वो आपके अष्टम भाव को भी एक्टिवेट करने वाला है। ऐसी वजह से इस समयावधि में जो व्यक्ति इस समयावधि में दर्शन शास्त्र, रिसर्च या अनुसंधान के क्षेत्रों में अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं या इन क्षेत्रों में आपका कोई भी काम चल रहा है, उसमें भी देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके जीवन में बदलाव दे सकते हैं और सफलता भी आपको देने वाले हैं। और वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में यहां पर देखिए वक्री हैं, तो आपके द्वादश भाव का भी परिणाम आपको देने वाले हैं। तो अभी तक आपने अपने लिए अच्छी बातें और बेहतरीन खुशखबरी वाली बातें सुनी है, अब यहां पर वक्री होकर द्वादश भाव का रिजल्ट देंगे तो क्या करवाने वाले हैं, धार्मिक क्रियाकलापों के ऊपर भी व्यय करवाएंगे और आपके जीवन में हॉस्पिटलाइज खर्च भी बढ़ाने वाले हैं। परिवार का कोई सदस्य है या वृषभ राशि वाले जातकों की स्वयं की स्वास्थ्य है, उसके ऊपर देवगुरु खर्चा करवा सकते हैं, उसमें आपको व्यय करवाने वाले हैं। तथा इस समयावधि में देवगुरु बृहस्पति आपके अंदर, चूंकि दो आपके 12वें घर का ये रिजल्ट देने वाले हैं, आपके जीवन में अगर आप लॉटरी में, शेयर में, सट्टा में इन्वॉल्व हैं, तो यहां पर आपके जीवन में व्यर्थ में धन का जाया हो सकता है, धन का नुकसान हो सकता है। जो व्यक्ति लॉटरी कर रहे हैं, शेयर सट्टा से जिन जातकों का जुड़ाव है, उन जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता इन सभी सेक्टर में रहने वाली है। तो जो परिवर्तन होगा वो आपके लिए बहुत ही निर्णायक रहेगा और सफलता भी आपको देने के लिए सहायक रहेगा। अब वृषभ राशि वाले जातकों, हम आपको बताना चाहेंगे क्या आपको उपाय करना चाहिए और क्या सावधानी आपको जीवन में रखना चाहिए। सबसे पहली सावधानी तो आपको यही रखनी है कि देखिए, मन से छल कपट या बेईमानी का भाव अपने जीवन में लेकर ना चलें। गुरु के लिए सबसे बड़ा यही उपाय है। और हर बृहस्पतिवार के दिन केले के समीप जाकर आपको देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर गुरु की महादशा चल रही है तो ये उपाय आपको जरूर काम करने वाला है। और वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करना भी शुभता देने वाला है। और वृषभ राशि वाले जातकों, गायों को यदि आप बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल भिगोकर
और उसमें गुड़ मिश्रित करके यदि आप गायों को डालते हैं, अगर आपके जीवन में देवगुरु आपको पुराने समय से अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की मजबूती कुंडली में बढ़ जाएगी और आपको मिला जुला जो परिणाम मिल रहा है उससे आपको ज्यादा बेहतर परिणाम मिलने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। जीवन में किसी प्रकार की समस्या है आप हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में प्रतिउत्तर या अन्य वीडियोस के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।